नहीं तुम ऐसे नहीं मर सकते। जब तक तुम नहीं बता देते कि तुम मेरे माँ बाबा के कातिल हो। नागमणि पाने के लिए तुमने क्या क्या किया? इसे कहते हैं एक तीर से तीन निशान। मार दिया उस नागिन ने मेरे अंकित जी को। मैं खुद उस लड़की को बहू बनाकर अपने घर लाई थी, लेकिन आज आज कन्या ने हम सबको धोखा दे दिया। नहीं जानती थी मैं, नहीं जानती थी कि वो नागिन जिसे हमने किसी ने नहीं देखा था वो कोई और नहीं, मेरी बहू शिवन्या है। पहले उसने स्तुरी को खत्म किया, फिर शैलेश भाई साहब को मार के, और आज मेरे पति यांकी जी को खत्म कर दिया। रे अरे भगवान, मैं यांकी जी के बगैर कैसे जीऊंगी? माँ, 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 शिवन्या! शेषा, ओ आ गई प्यारी बहना। अब आ गए हो तो ये गुलाल तुम ही चढ़ा दो शिव जी पे। तुम्हारा एक और इंतकाम पूरा हो गया, अंकुश रहेजा मर गया। ना तो गाओ जश्न मनाओ, यही चाहती थी ना तुम? तो ये लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, और ये तुम जानती हो। मैं अंकुश रहेजा को जंगल में मारने के लिए नहीं लेकर गई थी, ऋतिक के सामने सच्चाई उगलवाने के लिए ले गई थी। वो यामिनी और अपनी सच्चाई बताने ही वाला था कि तुमने उसे मार दिया। तुम नहीं चाहती हो कि ऋतिक को सच्चाई का पता चले। मेरे और ऋतिक के बीच में गलतफहमी पैदा करके तुम्हें लगता है कि तुम ऋतिक को पालोगी। कितने अच्छे से जानते हो ना तुम मुझे, बचपन का रिश्ता जो है, अब ऋतिक को सच्चाई कौन बताएगा? मैं ऋतिक के सामने सच्चाई मैं साबित करूंगी। ऋतिक तुम्हारा कभी नहीं हो सकता शेषा। हो सकता है, अगर तुम मर गए तो तुम्हें मार के मार के ऋतिक को पालूंगी मैं।
तुम मुझे मार नहीं सकती शेषा। इतनी बार बार करने के बाद भी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई, तुम मुझे कभी नहीं मार सकती। शायद माँ जानती थी कि तुम गुस्से में कुछ भी कर सकती हो, इसीलिए उन्होंने बचपन में ही मुझे तुम्हारा जहर पिला दिया था। मैं तुम्हारे जहर से कभी नहीं मर सकती। माँ ने मुझे तुमसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया। अच्छा तो आओ मार दो मुझे, मार दो मुझे। कैसे मार दो शेषा, बहन हो तुम मेरी, अभी देर नहीं हुई है, वापस लौटा। बस शिवानिया, अब तुम्हारी नीची बातों में नहीं आऊंगी मैं। अब नागमनी औरत देख, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। शेषा, 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 बचपन से साथ निभाने का वादा किया था तुमने, आज तुमने वो वादा तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया। हाय, उस नागिन ने मेरे अंकी को मार डाला, मेरे अंकी जी को मार दिया रे उस नागिन ने। रितिक, ये सब कैसे? आज रितिक खुद तुझे धक्के मार के इस घर से निकालेगा और मैं ये तमाशा देखूंगी। देखो, उस नागिन ने डैड को मार दिया, देखो क्या हाल कर दिया घर वालों का। मैं जानती हूं तुम्हें सदमा लगा है, पर मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, वो तो शेषा ने। वो नागिन किसी को भी मार सकती है, पर मुझे नहीं मार सकती। वो निशान है ना मेरी गर्दन पर, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो शिवन्या, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं, तुम भी अंगूठी पहनो, ये अंगूठी तुम्हें उस नागिन से बचाएगी। वाह बेटे वाह, तो तू भी ड्रामा करना सीख ही गया अपनी माँ से। क्या हुआ, पहनो ये अंगूठी। मैं ये अंगूठी नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? बोलो, क्योंकि तुम नागिन हो। मेरे डैड की कातिल हो। अब अपने असली रूप में आओगी, मैं बताऊं सबको। हाँ, नागिन हूं मैं, नागिन हूं मैं। आखिर तेरा असली रूप सबके सामने आ ही गया मेरी नागिन बहू। इसने मेरे पति को मार दिया, मेरे घर का सुख चैन सब कुछ छीन लिया, इसे बेटी माना था लेकिन इसने। मामी, नागिन, नागिन हूं मैं, नागिन हूं मैं। और ये जो इंसान है, इसने तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने इन्हें नहीं मारा। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें डैड को मारते हुए। कितना प्यार किया था मैंने तुमसे और तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाया, शादी की मैंने तुमसे, तुम्हें इंसान समझा और तुम
तुमने मुझे और मेरे प्यार को धोखा दिया। ऋतिक मेरी बात सुनो प्लीज। ऋतिक मेरी बात सुनो ऋतिक। ऋतिक निकल जाओ इस घर से। ऋतिक एक बार मेरी बात तो सुन लो। नागमणि का 50% पार्टनर गया, अब नागमणि सिर्फ मेरी है। ऋतिक तुम मेरे पास नहीं ना सही, पर मेरी हर सांस हर धड़कन मेरी आत्मा में तुम हो और सिर्फ तुम। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी ऋतिक, अब कैसे समझाऊं तुम्हें। जमीन पर पैर मत रखना ओके। हे शिवजी, जो औरत इतनी बेरहमी से अपनी पति को मार सकती है
मुझे इतनी बेरहमी से मार सकती है, उसके लिए ऋतिक को मारना कोई बड़ी बात नहीं। मैं जानती हूं ऋतिक मुझसे नफरत करता है, पर फिर भी मुझे उसकी रक्षा करनी है। उसकी जान खतरे में है, वो औरत किसी भी वक्त उसे मार सकती है। हे शिव जी, हे माँ गंगे, तेरे पानी में अमृत है, तेरी धारा में किनारा, तेरी भक्ति में शक्ति है, तुझ में ही जीवन सारा। आज मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पति की रक्षा कर सकूं। मैं नहीं जानती कि ऋतिक कहाँ है, आपको मुझे उसके पास लेकर जाना है, ऋतिक को बचाना है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। शिवन्या, युवराज, युवराज, जिंदगी भर अपने बेटे के लिए तरसा, आज मिला तो बेटे की जिंदगी। बाबा ऐसे मत कहिए, कुछ नहीं हुआ मेरे ऋतिक को। ऋतिक, मेरा युवराज चला गया, उसी आमिनी ने मार दिया उसे। ये मर नहीं सकता, सांसें भी नहीं चल रही इसकी, इतना खून बह गया। और आप कहते हैं शिवन्या के सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है शिवजी ने। जब तक शिवन्या इसके साथ है, इसका सुहाग मर नहीं सकता। आपके राजवंश में जब कोई मरता है तो उसके शरीर का वो निशान भी उस घड़ी मिट जाता है जो आपके राजघराने का प्रतीक है। इसका मतलब ऋतिक जिंदा है। ऋतिक, गुरुदेव अगर जिंदा है तो इसकी सांसें क्यों नहीं चल? इसको जिंदगी में वापस कैसे लाएंगे? नागमणि, अब नागमणि ही इसकी जिंदगी वापस ला सकती है।
मैं अभी जाके नागमणि लाता हूँ, मैं अपने युवराज को हर हाल में बचाऊंगा। नहीं बाबा, यामिनी आपको देखते ही आपको मार डालेगी। मैं जाऊंगी वहां, मैं मेरे पति की जिंदगी हर हालत में बचाऊंगी, हर हद से गुजर जाऊंगी मैं। वक्त बहुत कम है और इसकी हालत बहुत नाजुक, सूरज ढलने से पहले ही नागमणि लाना होगा। बेटी अगर तुम्हें यामिनी ने देख लिया तो फिर तुम पे बात करेगी। कैसे करोगी यामिनी का सामना? मैं नहीं, शेषा जाएगी वहां। आज तक शेषा मेरा रूप लेकर जो कुछ भी करती आई, वही अब मैं शेषा का रूप लेकर करूंगी। यामिनी से नागमणि मैं लेकर आऊंगी। शिवन्या को वापस आने तक हमें घोर जाप करना होगा और यही जाप शिवन्या के नागमणि लाने तक इसकी रक्षा करेगा। और याद रखना, जाप पूरे होने तक बीच में उठना बिल्कुल नहीं है। जी गुरुदेव, अपने बेटे की सांसों के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ जाऊंगा। मुझे बाहर निकालो, निकालो मुझे बाहर निकालो। ओहो, कहाँ चली गई ये शेषा? कहीं उसने कोई जाल तो नहीं बिछाना मुझे मारने का? लेकिन लेकिन उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगी। कहाँ चली गई थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लो मैं आ गई। वैसे तुम्हें शस्त्र से क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, बस इसे देख रही थी, देख रही थी कि इससे मैंने शिवन्या को कैसे मारा था। वैसे इस शस्त्र से मैं किसी भी इच्छाधारी नागिन को मार सकती हूँ। डरा रही हो मुझे? कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं? नहीं तो कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम तो मेरी जिंदगी में वरदान बनकर आई हो, अब बस तुमसे वो नागमणि प्रसन्न पूजा करवाऊंगी। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, रख लो ये शस्त्र, रख लो। अब तुम्हें शस्त्र की जरूरत नहीं। हाँ, प्लीज ये अंगूठी मत उतरवाना, वैसे भी तुम इसे नहीं छू पाओगे, है ना? तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस तुमसे वो नागमणि की शक्तियां पानी है। नागमणि ही तो लेने आई हूं तुमसे, अपनी ऋतिक की जान बचाने के लिए। बाहर निकाल मुझे। ये आवाज कैसे? आवाज कैसी? आवाज मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो फिर चलो आज अभी नागमणि प्रसन्न पूजा करते हैं। नागमणि कहाँ है? वो मेरे सीक्रेट लॉकर में है, वहां मिलेगी नागमणि। अब तुम कहां जा रही हो? तुम वो नागमणि नहीं छू पाओगी। याद है ना गुरुमा के गुफा में क्या हुआ था? क्या हुआ था शेषा के साथ गुफा में? यामिनी के कहने के मुताबिक मैं नागमणि को छू नहीं पाऊंगी, तो अब मुझे नागमणि मिल भी गई तो भी मैं उसे कैसे लूंगी? वैसे ये जल्दी किस बात की? ओ ऋतिक को पाने की। ऋतिक कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। यही कहीं होगा, होगा अपने बेडरूम में। वैसे तुम उसके बेडरूम में जा सकती हो, शिवन्या जो नहीं रही,
वैसे भी ऋतिक बहुत नफरत करता है शिवन्या से, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, एक बार नागमणि की शक्तियां मुझे मिल जाए फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, उस पे वशीकरण करके ऋतिक को अपने वश में कर लेना। रम्या आंटी आपको नीचे बुला रही थी। आ गया मेरा छेल छबीले रखवाला, यही मुझे इस शैतानी खोपड़ी से दूर ले जाएगा। अच्छा माँ, आप किसी से बात कर रही थी क्या? आपकी आवाज आ रही थी। हाँ, बात कर रही थी, अपने आप से बात कर रही थी, मैं नहीं जी पा रही हूँ आंटी जी के बगैर। बहुत मिस कर रही हूं मैं अंकित जी को। तुम जाओ बेटा, आ रही हूं। जी मां। जानती हूं मैं तुम्हें छू नहीं सकती, पर अगर मैंने अपना हर फर्ज निभाया है तो आज खुद तुम मेरे साथ जाओगी, मेरे पति की जान बचाओगी। अगर मैं गलत हूं तो तुम्हें छूते ही जल जाऊंगी। आज परीक्षा है मेरी भक्ति की तुम्हारी शक्ति की। जय भोलेनाथ।